स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने सुलहा में लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निपटारा किया। इस मौके पर उन्होंने सरकार के द्वारा गरीब वांछित लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए चलाई जा रही अनेक योजनाओं की जानकारी भी दी और इसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए भी जोर दिया। परमार ने कहा कि सरकार ने लोगों को किफायती, प्रभावी और गुणात्मक स्वास्थ्य देखभाल सेवा मुहैया करवाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। चिकित्सा शिक्षा, प्राचिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग और फार्मेसी शिक्षा पर सरकार बल दे रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 कंपनी द्वारा आरंभ की गई थी, जिसमें जरूरतमंद लोगों को आपातकालीन स्थिति में निशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाई जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से स्टाफ को वेतन, ओवरटाइम और लेट पहुंचने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उन्होंने कहा कि इस कंपनी के संचालकों को राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा का शीघ्र सही तरीके से संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पठानकोट मंडी भारी बरसात के चलते क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसे ठीक शीघ्र ही किए जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को कहा गया है। परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार आम लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कटिबद्ध है और इस दिशा में समर्पण भाव से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने जन सरोकार को प्राथमिकता देते हुए जनमंच के रूप में एक नई पहल शुरू की है। जनमंच कार्यक्रम के तहत समग्र दृष्टिकोण के साथ प्रयास करते हुए आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित तथा स्थायी समाधान किया जा रहा है। लोग इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी उत्साहित भी हैं और इससे लाभ भी ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत घर द्वार पर लोगों की समस्याएं सुलझाने के साथ ही विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समर्पित प्रयास भी किए जा रहे हैं। जिस राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे पठानकोट मंडी का आप जिक्र कर रहे हैं, अब इस रोड को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर दिया गया है। अब ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में जो तालमेल नहीं है, उसके कारण जहां रोड की समय पर मरम्मत की जानी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। मैंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बुला करके निर्देश दिए हैं कि जहां जहां पर भी मरम्मत करने की रोड को जरूरत है उसको प्राथमिकता के तौर किया जाए। और उन्होंने कहा भी है कि इस भारी बरसात के बाद जो हमें कार्य करने होंगे वो प्राथमिकता पर करेंगे। दूसरा, ये जो 108 एम्बुलेंस जो है वो तेल भरने के लिए जो है वो लेरा में जा रही है, उसका क्या कारण है? जीवी के 108 कंपनी जो वर्ष 2010 में शुरू की गई थी, मुख्यतः इसका हेतु तो यही है कि जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा के लिए इस एम्बुलेंस का प्रावधान किया गया है। परंतु पिछले कुछ एक महीनों से इनकी शिकायतें हमारे पास बार बार आ रही है, चाहे ड्राइवरों की, फार्मासिस्ट की तनख्वाह देने की बात हो, ओवर टाइम जारी करने की बात हो, या समय पर गाड़ी पहुंचने की बात हो। ऐसी बहुत सी शिकायतें हमारे पास पहुंची है, लोगों ने बातें पहुंचाई हैं, प्रेस के माध्यम से बातें पहुंची हैं और उनको हमने आगाह भी किया है कि अगर समय रहते इन सारी व्यवस्थाओं को अगर आप ठीक कर सकते हैं तो करें, नहीं तो स्वेच्छा से इस हेल्थ एम्बुलेंस की जो सर्विसेज दे रहे हैं उससे अपने आप को पीछे हटा लें, ये मैंने उनको कहा। पालमपुर को नगर निगम बनाने का मुद्दा काफी लंबे समय से सामने आ रहा है, अब पालमपुर नगर परिषद ने अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दे दिया है, तो इसकी क्या संभावनाएं मान सकते हैं? बिल्कुल, श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार हिमाचल प्रदेश के हर विषय को लेकर के बहुत संवेदनशील है और जनहित की प्राथमिकताओं को देखते हुए, लोगों की सुविधा को देखते हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बहुत से फैसले किए हैं और उन फैसलों में जैसे आपने कहा है कि क्या नगर निगम पालमपुर की जो जरूरत है कब बनेगी,
वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी होली महोत्सव पर यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये कहा था कि इसकी संभावनाओं की हम तलाश करेंगे और नगर निगम की जो पैरामीटर्स है अगर वो पूरे होते हैं तो उसको हम बनाएंगे। पालमपुर के आस पास की पंचायतों का जो ये मुद्दा है नगर निगम का, इसमें मैं भी उनके साथ शामिल हूं और जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है। मैं इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाऊंगा और कोशिश करेंगे कि ये नगर निगम जो है जनहित को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री इस मांग को पूरा करेंगे।